साथियों, किसानों के साथ केंद्र सरकार ने उन कामगारों का भी ध्यान रखा है जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कंपनियों में, छोटे उद्यमों में, खदानों में, घरों में, खेत खलिहानों में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के मेरे कामगार भाइयों बहनों, जिनकी संख्या करीब 40-42 करोड़ है, घर में काम करने वाले कम लोग होते हैं, ड्राइवर होते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इससे 15,000 रुपए महीना से कम कमाने वाले कामगार साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये नियमित पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सिर्फ 50 रुपये से 200 रुपये तक का बहुत छोटा सा अंशदान महीने में देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितना पैसा कामगार देगा, आप उसका पैसा भारत सरकार भी उसमें जमा करेगी। साथियों, ये जो भी योजनाएं बजट में घोषित हुई है, ये सबका साथ सबका विकास, इसके हमारे संकल्प का विस्तार है। सरकार छोटे से छोटे दैनिक वेतन भोगी कामगार के लिए भी अटल पेंशन योजना चला रही है, जिसमें बहुत ही मामूली अंशदान पर 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित हुई है। इससे भी देश भर में लगभग 1.5 करोड़, पश्चिम बंगाल में लगभग 9 लाख कामगार साथी जुड़ चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बीमा भी सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसा प्रतिदिन के मामूली प्रीमियम पर दिया जा रहा है। बहुत ही कम समय में इन दोनों योजनाओं से देश भर में लगभग 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 80 लाख लोग हमारे पश्चिम बंगाल के भी हैं। आप में से भी जिसने अभी तक इस सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया है, उनसे मेरा आग्रह है कि इनसे जुड़े, ताकि मुश्किल समय में आपको यहां वहां भटकना न पड़े। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इनसे जुड़ने के लिए आपको सिंडिकेट से डरने की जरूरत नहीं है।